मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इंदौर के भाजपा नेताओं ने गणतंत्र दिवस पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रतिदिन वृक्षारोपण का संकल्प अभियान निरंतर जारी है। इंदौर सीएचएल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक के सीनियर एंकर शहीद अंसारी के पिता आकाशवाणी के सेवानिवृत्त केंद्र के निर्देशक अजीज अंसारी साहब का हालचाल जाना। उज्जैन आगर रोड पर स्थित टाटा कार शोरूम से टेस्ट ड्राइव के नाम पर बदमाश कार लेकर हुए रफू चक्कर, ये वाक्य मंगलवार का बताया जा रहा है। हालांकि कार में सेफ्टी फीचर होने के कारण बदमाश उसे वीर सावरकर कॉलोनी में छोड़कर हुए फरार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड को सलामी दी व साथ में इसी अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। भोपाल रेलवे में फर्जी पहचान पत्र बनाकर व्यवसाय करने वाले अवैध वेंडरों के खिलाफ जीआरपी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर अशोका गार्डन पुलिस द्वारा फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर व साथ में राजस्व विभाग की टीम के साथ में संयुक्त दबिश देकर सेमरा कला दुर्गा मंदिर के पीछे से तकरीबन 9 क्विंटल नकली पनीर एवं साथ में 20 किलो नकली घी जब्त किया गया है। भोपाल अयोध्या नगर थाने के तत्कालीन डीआई हरीश यादव बर्खास्त, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है। थाना प्रभारी पर 2019 में सेक्स रैकेट के मामले में काल गर्ल को संरक्षण देने का आरोप लगा था, जो जांच में सही पाया गया है। उज्जैन जिले की संतराम सिंधी कॉलोनी में चल रहा है मकान नंबर 58 गली नंबर 3 में चौथी मंजिल का अवैध निर्माण का कार्य, कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। हम आपको बता दें, बिजली के खंबे के पास ही लगा दी है लोहे की घुमावदार सीढ़ी, शिकायत पहुंची नगर निगम अधिकारियों के पास, कभी भी हो सकती है बड़ी कार्रवाई। इंदौर ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच इंदौर व पुलिस थाना चंदन नगर की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 19 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत है लगभग 1,90,000 रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर का दौर जारी है। आगामी आने वाले दिनों तक किसी भी प्रकार की राहत होने की कोई संभावना नहीं बताई जा रही है।